तार बननी थोड़ी और, इससे और अच्छी तार बनेगी थोड़ी सी, तो इसको कहते हैं पक्की तार। वो जो तो पहले था कच्ची तार, इसके बाद में ऐसे करेंगे तो गोली बन जाएगी, वो लास्ट स्टेज होती है, उससे आगे जाके चीनी जल जाएगी। फॉरन सब्सक्राइब करें फूड वेंजर्स पे शेफ सादत जी, नया यूट्यूब चैनल है जहाँ पे हम अपने तमाम व्लॉग्स डाल रहे हैं। एक श्रीलंका का टूर था 2 साल पहले मैंने किया था, वो देखें, मैं आपको दिखाऊंगा वहाँ क्या क्या खाने की चीजें मजेदार हैं और क्या क्या जगह है, कहाँ कहाँ घूम सकते हैं। फॉरन सब्सक्राइब करें उसको। पहले हम शुगर सिरप बना रहे हैं, ये तकरीबन हम डाल रहे हैं इसमें 400 ग्राम के करीब पानी। अच्छा 400 ग्राम क्यों, ये नून बड़ा भद्दा होता है। आधा किलो जितना लगा लो जी, आधा किलो पानी, आधा किलो पानी लगा लो। अच्छा ये बाय वेट होता है, ये बाय लीटर नहीं होता। इसमें दूसरा तरीका मैं आपको एक और बताता हूँ, अगर वजन नहीं करना तो मैं आपको वो भी बताता हूँ। इसका बड़ा आसान तरीका ये है कि हम जैसे शुगर डाली है तो पानी डालेंगे, यानी कि ये शुगर सारी भीग जाए। अच्छा चलो ऐसे देख लो, ये भी आसान तरीका है। और चीनी कितनी ली हमने? चीनी तकरीबन 1 किलो ली हमने। 1 किलो चीनी में 400 ग्राम पानी, आधे से थोड़ा कम पानी। हाँ जी, और इतना होगा चीनी बस घुल जाए, घुल जाएगा। अगर चीनी की कमी बेची हो तो थोड़ा पानी और कर सकते हैं। बाकी मैं अभी आपको सारे इसके सिस्टम बताऊंगा कि चीनी का कौन सा जो होता है ना, इसका टिप क्या है। नहीं होगी ये। अभी शुगर सिरप हमारा स्टार्ट हो गया, हमने इसमें 1 किलो चीनी तकरीबन 500 ग्राम पानी डाला है। तो इसका एक, इसके तीन स्टेप होते हैं, मैं आपको तीनों स्टेप्स एक्सप्लेन करूंगा, आप समझने की कोशिश करना, बहुत आसान है लेकिन थोड़ा सा आपकी तवज्जो चाहिए। अगर आप तवज्जो से काम करेंगे तो आपको एक तो पता चल गया कि इसका चीनी का यानी कि नरम तार क्या होती है, एक पक्की तार होती है, एक उसके बाद में गोली, गोली पे जाके चीनी यानी कि बस उससे आगे जाके कैरमलाइज हो जाती है, ब्राउन शुगर हो जाती है, जैसे जल जाती है। तो मैं ये तीनों आपको बताता हूँ, आपको पता चल जाएगा किस तरीके से गुलाब जामुन का शीरा होता है, जलेबी का होता है और रसमलाई का, और करारा अलग होता है, करारा लेदा पड़ेंगे हम। नाज़रीन ये देखें, अभी ये शुगर मेल्ट हो गई है, अब आपको कंडीशन बतानी है। ये देखें आप इस तरीके से भी देख सकते हैं, लेकिन हमारा जो तरीकेकार देखने का वो ये है, आप इस तरीके से देखें, ये कच्ची तार है, अभी इसमें तार नहीं बन रही, एक छोटा सा ड्रॉप निकल रहा है, इसको कच्ची तार कहते हैं। ये तीन इसके कांटे हैं, अभी थोड़ा सा और पकेगी कच्ची तार, इसमें गुलाब जामुन में, गुलाब जामुन का शीरा ये होता है। उबाल आने के बाद तो 2 मिनट पकाओ। हाँ जी, इस तरीके से करेंगे तो नरम शीरे में निकालेंगे गुलाब जामुन और फिर उसको नॉर्मल शीरे में आप उसको छोड़ेंगे। अब इससे थोड़ी सी पकेगी तो ये तार पक्की में आ जाएगी, यानी कि इसकी पूरी तार बननी शुरू हो जाएगी 1-2 मिनट में। हाँ जी, ये मैं दिखाता हूँ आपको। असल में मेन चीज इसको समझना है, जितनी भी इस मिठाई की बेस है वो ये तीन चीजें हैं। इसमें आप जब अगर समझ गए कि ये तीनों को, गुलाब जामुन का शीरा कैसा है और जलेबी का शीरा कैसा है, जलेबी का तार का होता है पक्का, और नुक्ती दाने का शीरा कैसा है ये आपको पता चलना चाहिए, और चमचम पकाते हुए शीरा कैसा होना चाहिए, ये 2-3 चीजें हैं जो आपको कोई जो एक्सपर्ट होगा वही समझाएगा, वरना सब यही बताएंगे शीरा डाल लो, पानी डाल लो, पका लो और निकाल लो। आपका तो ये माशाल्लाह ये सेकंड जनरेशन, वाले साहब भी करते, दादा भी करते थे? नहीं जी, हमारी अभी यानी कि हमारा खानदान में मतलब मेरे वालद दादा जी, बाद में वालद साहब, वालद साहब के बाद हम, हमारे अब बच्चे भी माशाल्लाह इसी काम में आ रहे हैं। क्या बात है, ये देखें अब तार बननी थोड़ी और, इससे और अच्छी तार बनेगी थोड़ी सी, तो इसको कहते हैं पक्की तार। वो जो तो पहले था कच्ची तार, इसके बाद में ऐसे करेंगे तो गोली बन जाएगी, वो लास्ट स्टेज होती है, उससे आगे जाके चीनी जल जाएगी। आज बहुत दिन मैं घर आया हूँ छुट्टियों से वापस, और मैंने आज बनाया चिकन व्हाइट कोरमा। बाद में हर रेसिपी के ना हर डिश का मुझे लगता है बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन होता है, इसमें कोई ऐसी गार्निश नहीं है, बट अच्छी शिमाल होना क्या बात है।
तो ये इसकी जो खास बात ये है कि बिस्मिल्लाह बड़ा रॉयल किस्म का है दावत का आते हैं, और लेकिन कभी कभी आप घर पे भी ट्रीट करना चाहें किसी को तो बना सकते हैं। बहुत माइल्ड, नो मिर्चें, इसमें लाइक आप जैसे समझे व्हाइट है टू बस बटर की, जैसे बटर चिकन लोग बहुत शोर से खाते हैं। आई थिंक इट्स अ गुड मस्ट ट्राई, घर पे बनाए बच्चे भी बड़े मजे से खाएंगे, मेहमानों के लिए दावत के लिए बहुत अच्छी है। फुल रेसिपी के लिए जाकर देखें बेगम का चैनल, वहां पर सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी मजेदार रेसिपीज आप खूब सारी और देख सकें।